शबाज गिल को अख्वा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसका उसको नंगा करके उसके ऊपर जंसी तशद्दुद किया गया, और उसके ऊपर हमारा सिर्फ क्या, हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मुल्क दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है। तो उसके ऊपर खैर मैं सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे, हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं, पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स पे बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब जिंदगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी, उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत यह है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से कि लोग पैसे बहुत दे देंगे, क्योंकि इनको तो चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया टीवी पे भी कवरेज। सैफुल्ला नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIA घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जाके कहा जा रहा है, उनके पास FIA के नोटिसेस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने YouTube बंद कर दी। वो लोग जो कि एंकर जो ये समझते थे कि मेरी सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR 2 बार भाग गए हैं, और फिर जो फंडिंग करते हैं पार्टी को उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते, पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी वो छुपे हुए हैं, सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं, वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर दिया। सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही, IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। खान साहब आपकी सियासत, खान साहब आपकी सियासत फिर क्या होगा सर, अगर तोहीन अदालत केस में आपको नहल कर दिया जाता तो फिर क्या करना प्यारे भाई? देखिए वो तो अभी सब जुडिस है, वो तो अदालत के अंदर है, वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। खान साहब आपकी इंतजार किस चीज का? खान साहब आप क्यों लेट कर रहे हैं इसको? आप कह रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, वो कह रहे हैं ना इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। खान साहब एक सवाल लेंगे।